ये है अपना 2500 2491। ये इंटर करते ही ये एक सर्वेंट रूम, ये है प्लस सर्वेंट रूम का अटैच वॉशरूम बालकनी, और यहीं से हम किचन में भी इंटर करते हैं। फिर हम बैक हो रहे हैं, यहाँ से ये हॉल का पार्ट था अपना, हॉल में इंटर करते हैं। ये विंग यूनिट है, दोनों तरफ आपके बालकनी है। इसमें ये नहीं है कि एक साइड ये हॉल का पार्ट है, दोनों तरफ बालकनी है। ये फिर किचन में इधर से भी एंट्री है, एक तो हम लोग सर्वेंट रूम से इंटर कर रहे थे, एक इसमें है, वुडन वर्क वगैरह हो रखा है सारी चीज़ें किचन में। ये आपका हॉल का अटैच वॉशरूम है, हॉल प्लस इस बेडरूम का। ये एक बेडरूम नंबर 1 हो गया आपका, जिसका अटैच वॉशरूम ये है। और रूम नंबर 1 ये, रूम नंबर 2 ये, जिसका अपना अटैच वॉशरूम है, स्पेशल ड्रॉअर वगैरह यहाँ लगा सकते हैं। ये एक दूसरा रूम हो गया रूम नंबर 2। फिर हम इंटर करते हैं रूम नंबर 3 में, ये है रूम नंबर 3, जिसका अटैच वॉशरूम ये है, रूम नंबर 3 का। रूम नंबर 3 ये हो गया। अब हम इंटर करते हैं मास्टर बेडरूम में, मास्टर बेडरूम ये है, बड़ा सा बेडरूम। इसमें सभी रूम में लगभग बालकनी दोनों साइड है, लाइटिंग वगैरह के लिए कोई इशू नहीं है। इसका अटैच वॉशरूम ये रहा। ये मास्टर बेडरूम, यहाँ का व्यू जो है वो इधर का ये है, इधर ये है, इधर 130 मीटर रोड फेसिंग व्यू है इसका, मेट्रो लाइन भी आपको यहाँ से दिख रहा होगा। ये सारे बन जाएंगे यूनिट एक हैबिटेट हैं वो। रूम नंबर 1 ये मास्टर बेडरूम, जिसका अटैच वॉशरूम ये। रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 एंड बेडरूम नंबर 4, प्लस सबके अटैच वॉशरूम है। टोटल इसमें 5 टॉयलेट वॉशरूम है। इसका व्यू भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन व्यू, 130 मीटर रोड फेसिंग। और इसका जो है व्यू वो आपका पार्क फेसिंग है, जो इसका पार्क है उसका फेसिंग है। ये आपका स्टाफ रूम प्लस ऐसा।